हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो के साथ में स्वागत करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी हमारे चैनल पर लगातार वीडियो आ रहा है, क्योंकि अभी काम बहुत ज़्यादा कम है, जिस वजह से वीडियो हम लगातार अपलोड दे रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे एम्पलीफायर के बारे में जो कि अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, अभी वो लॉन्च होने वाला है। तो ये एम्पलीफायर प्रोटेक की ओर से आया है, मतलब ये अभी तक मार्केट में पूरी तरह से लॉन्च नहीं हुआ है। ज़बरदस्त पावर इसके अंदर में आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही लो बजट प्राइस रेंज में एम्पलीफायर होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि इस एम्पलीफायर के साथ में हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है और साथ में एम्पलीफायर किस तरह से रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोटेक के एम्पलीफायर के बारे में। तो प्रोटेक अभी अपने एम्पलीफायर और सारे इक्विपमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है और एक से एक बढ़िया प्रोडक्ट अभी लॉन्च कर रहा है और इसका प्रोडक्ट अभी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल निकल रहा है, क्योंकि ये एकदम लो बजट में अपना एम्पलीफायर को लॉन्च करता है और साथ में उसका परफॉर्मेंस आपको लो बजट में काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। इसका साउंड क्वालिटी भी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग अभी प्रोटेक में शिफ्ट हो रहे हैं और इसमें आपको एक प्रोफेशनल साउंड क्वालिटी देखने को मिल रहा है। और इसी बीच प्रोटेक ने और एक एम्पलीफायर को लॉन्च कर दिया है जो कि ABX सीरीज के अंदर में लॉन्च किया है। तो इसका अगर मॉडल नंबर की बात की जाए तो इसका मॉडल नंबर है ABX 3600i। बहुत ही डिफरेंट इसका मॉडल नंबर है और ये एम्पलीफायर देखने में भी डिफरेंट है। ये ABX सीरीज का एम्पलीफायर है। जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रोटेक के जितने भी ABX सीरीज के एम्पलीफायर है उसका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त रह चुका है, जिस वजह से ये भी एम्पलीफायर एक ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए जाना जाएगा, क्योंकि इसमें आपको ज़बरदस्त क्वालिटी का सिस्टम देखने को मिलेगा और ये एकदम बजट रेंज में एम्पलीफायर लॉन्च करता है, जिस वजह से काफ़ी लोग इसके एम्पलीफायर को पसंद करते हैं। तो आज जानेंगे कि इस एम्पलीफायर में हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है और साथ में कितने वाट का लोड लेता है, कितने ओम पे, क्योंकि लोड कैपेसिटी जिस प्रकार से लिख देता है कंपनी उस प्रकार से लोड नहीं लेता है, बट प्रोटेक के मामले में इस प्रकार से नहीं है। प्रोटेक जितना दबा करता है उतना लोड ये एम्पलीफायर ले लेता है और अच्छी तरह से इसका परफॉर्मेंस भी रहता है। तो आज जानेंगे कि इस एम्पलीफायर के साथ में आप कितना लोड तक चला सकेंगे, सारा कुछ इस वीडियो में हम कंप्लीट बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे इस एम्पलीफायर के लुक के बारे में। तो ABX सीरीज के जितना भी एम्पलीफायर रह चुका है वो येलो और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में आता है, बट अभी चेंज कर दिया है प्रोटेक ने, अभी व्हाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में ये वाला एम्पलीफायर आ रहा है, जिस वजह से देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का लुक है एम्पलीफायर का और काफ़ी यूनिक डिज़ाइन भी है इसका, काफ़ी डिफरेंट ये वाला मॉडल चेंज कर दिया है। प्रोटेक का डिज़ाइन और इसका मॉडल बहुत ही ज़्यादा चेंज होते रहता है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा कॉपी भी निकल जाता है, जिस वजह से कंपनी पूरे बार बार इसको चेंज करते रहता है, इसका मॉडल, इसका कलर, सारा कुछ चेंज करते रहता है। तो कुछ इस प्रकार से ये वाला लुक में आता है, काफ़ी ज़बरदस्त एक यूनिक एम्पलीफायर बनाता है इसको। तो आप बात करेंगे इस एम्पलीफायर के पावर के ऊपर में। तो इस एम्पलीफायर को आप 1300 वाट पर चैनल के हिसाब से कंटिन्यूसली चला सकेंगे, मतलब कि 1300 वाट के कंटिन्यूस लोड पे आप पर चैनल के हिसाब से, मतलब पर चैनल में आपको 1300 वाट का कंटिन्यूस पावर इस एम्पलीफायर से मिल सकता है और इसमें आप 1300 वाट का लोड कंटिन्यूसली चला सकेंगे। इसको आप RMS पावर भी कह सकते हैं, मतलब कि आपको हर एक चैनल में 1300 वाट करके पावर आपको मिलेगा, मतलब दोनों चैनल में आपको 2600 वाट का पावर देखने को मिलेगा इस एम्पलीफायर के साथ में। तो वहीं पे मोनो और स्टीरियो मोड भी आप इसमें चला सकेंगे और वहीं पे 2 ओम की बात करें तो 2 ओम पे आप इसमें आप 1800 वाट तक का लोड चला सकेंगे, ओके, पर चैनल के हिसाब से। ये एकदम RMS पावर में हम बात कर रहे हैं, तो आप इसमें 1800 वाट तक का लोड चला सकेंगे पर चैनल के हिसाब से 2 ओम पे। और ये एम्पलीफायर एक 2 ओम रिकमेंडेड एम्पलीफायर है, जिसमें आपकी आपको 2 ओम पे भी चलाने पे भी एम्पलीफायर कुछ नहीं होने वाला है, उतना ज़्यादा भी हीट नहीं होने वाला, क्योंकि ये एम्पलीफायर 2 ओम रेकमेंडेड करता है। तो प्रोटेक का एम्पलीफायर 2 ओम हमेशा ही रेकमेंडेड करता है और इसका ज़बरदस्त रिजल्ट हमने देखा भी है। तो जिस प्रकार से इस एम्पलीफायर का मॉडल नंबर है उस प्रकार से ये दावा भी करता है कि आप इसमें 3600 वाट का लोड चला सकेंगे, क्योंकि इसका जो मॉडल नंबर है वो है ABX 3600i। इस प्रकार से आप इसमें 1800 वाट करके 3600 वाट स्टीरियो मोड पे दोनों चैनलों की मदद से ले सकते हैं, जिस वजह से इसका मॉडल नंबर है 3600 वाट। तो इस प्रकार से एकदम डिफरेंट मॉडल ये निकल के आता है और ये एकदम लोड ये आराम से चला लेगा। तो इस एम्पलीफायर का जो डबिंग फैक्टर है 500 से ऊपर आपको देखने को मिलेगा, 500 से ऊपर मतलब कि इसमें आपको अच्छा खासा बेस भी देखने को मिलेगा
और प्रोटेक का जो एम्पलीफायर होता है उसमें आपको बेस भी अच्छा देखने को मिलता है और मिड का थ्रोइंग भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और इसमें आपको ट्रैवल कंट्रोल भी देखने को मिलता है। तो इस एम्पलीफायर के साथ में एकदम ये सारा चीज़ एकदम कम्प्लीट देखने को आपको मिलेगा। इसमें आपको एक प्रोफेशनल साउंड भी देखने को मिलेगा। तो आप चाहते इस एम्पलीफायर को ले सकते हैं क्योंकि ये एकदम बजट प्राइस रेंज में आता है। प्रोटेक के जितने भी सारे एम्पलीफायर आते हैं वो एकदम बजट फ्रेंडली एम्पलीफायर्स को लॉन्च करता है, तो जिस वजह से हर कोई इसके एम्पलीफायर को परचेज कर सकेंगे, जिस वजह से इसके एम्पलीफायर मार्केट में अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। जैसे कि इसका ABX 6000 वाला जो मॉडल है वो एकदम तहलका मचा रहा है, ABX 7000 इस प्रकार से जो मॉडल है ABX सीरीज का वो अभी मार्केट में पूरी तरह से तहलका मचा रहा है। और इस एम्पलीफायर की अगर प्राइस की बात की जाए तो इसको मार्केट में आने के बाद ही पता चलेगा कि मार्केट में इसका कितना प्राइस रहता है। और आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारा ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा है और इस वीडियो से कुछ अच्छी नॉलेज आपको मिला है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से एक लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह से डीजे से रिलेटेड हर एक प्रकार के नॉलेज वाले वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.